गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर ईना भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है B7SM मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम में रिलेटेड हम कल हमने कुछ देखे थे, न्यूमेरिकल्स देखे थे, डिस्क्राइब फंक्शन से मैंने तीन चार उसमें रिले जोन, डेड जोन से वगैरह से बेसिक फंक्शंस के बारे में आप लोगों को स्टडी कराया है। आज का जो है हमारा लैपलेस स्टेबिलिटी फॉर अ लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम के बारे में पढ़ना है हमको डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एंड आपका ये कैसे डिराइव होगा ये भी हमको देखना है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, लेट द सिस्टम इज गिवन बाय, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Let the system is given by, ठीक है, x इक्वल टू होता है ए एक्स, दैट इज इक्वेशन वन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लैप्लेस स्टेबिलिटी जो रहता है उसमें लीनियर सिस्टम स्टेबल होता है द ओरिजिन इफ एनी सिमेट्रिकल, जब वो पॉजिटिव डिफाइन करता है मैट्रिक्स एंड एग्जिस्ट करता है सिमेट्रिक डिफाइन मेरा मैट्रिक्स ऑफ अ पिवट दैट इज सेटिस्फाई इक्वेशन। ठीक है, सेटिस्फाई इक्वेशन। ठीक है, सेटिस्फाई इक्वेशन क्या होगा, ए टी पी प्लस पी ए। ठीक है, ये आपका इक्वेशन टू होगा, है ना। अब आपको प्रूफ करना है, कंसिडरिंग फंक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v ऑफ x इक्वल टू होगा आपका x ऑफ t एंड p x, ये मेरा हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। ठीक, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स वी गेट, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वी गेट। ठीक है, तो v ऑफ x जो रहेगा आपका a x t, ठीक है, एंड p x प्लस x ऑफ t p a x होगा, है ना। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या हो जाएगा ये a t x ऑफ t पी एक्स प्लस एक्स ऑफ टी पी ए एक्स, दोनों से क्या निकाल सकते हैं कॉमन, हम एक्स ऑफ टी कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा ए ऑफ टी पी एक्स प्लस पी ए एक्स। ठीक है, ये बचेगा, फिर उसके बाद हम एक्स भी कॉमन, दोनों में क्या दिख रहा है एक्स कॉमन दिख रहा है तो एक्स ऑफ टी एंड एक्स ए ऑफ टी पी प्लस पी ए, ये हमको मिलेगा। ठीक है, माइनस एक्स ऑफ टी क्यू इंटू एक्स, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको ए ऑफ टी पी प्लस पी ए, ये आपको फाइंड होगा। ठीक है,
तो यही आपको क्या करना था, इस इक्वेशन में फाइंड करना था। अब हम आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाएंगे, वहां पे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये एक मेथड है, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड कैसे हम डिराइव करेंगे, वो चीज मैंने यहाँ पे आपको फाइंड करके दिखाया। इसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आते हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन है आपके पास, एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, और ए की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है माइनस वन माइनस टू वन एंड फोर। ठीक है, ये आपको वैल्यू दी है। अब आपको फाइंड करना है फ्रॉम द इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन क्या निकला था, ये इक्वेशन ए टी पी प्लस पी ए इक्वल टू माइनस आई। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू कैसे रखेंगे, ए ऑफ टी रहेगा तो आप इसको ऐसे वैल्यू रखोगे ना, माइनस वन माइनस टू एंड वन एंड माइनस फोर। ठीक है, अभी भी a ऑफ t दिया तो आपको ये a की वैल्यू नहीं रखना है, इसको इनवर्स के फॉर्म में चेंज कर देना। और p की वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि ये दो ही उसके लिए है, p1 p2 p3 p4 मैट्रिक्स आप लोगों को देख के समझ आ रहा होगा, वन क्रॉस वन का है ये। ठीक है, प्लस इधर भी p1 p2 p3, ये P3 होगा, ये P और ये P4। ठीक है, और A की वैल्यू यहाँ पे आप क्या रखोगे, जो दिया है आपको माइनस वन माइनस टू वन माइनस फोर, ये आप लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स में आपको सॉल्व करना आता ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके साथ करेंगे, तो क्या होगा माइनस P1, फिर इस वन का हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब P2 के साथ करेंगे तो ये इस वाले के साथ हो जाएगा, इसका एक बार इससे करोगे एक बार इससे करोगे तो प्लस P2। ठीक है, आप किसके साथ करेंगे, माइनस टू पी वन एंड अब इस वाले के साथ हमने कर दिया है इसको, है ना, ये हो जाएगा माइनस टू P1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन होता है तो माइनस फोर पी टू। बोलने का क्या मतलब है यहाँ पे, कि इन दोनों का आपको इन दोनों के साथ करना है, फिर आपको इन दोनों का आपको इनके साथ करना है। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात। ठीक, अब हमको देखना है, अब इस वाले टर्म के साथ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस पी टू, है ना, और ये पी थ्री प्लस पी थ्री, है ना, और माइनस टू पी टू, और ये क्या हो जाएगा फोर पी, ये पी पी वन पी टू, और ये अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ है, है ना, ये P1 और ये P2 ही रहेगा, और ये P2 और ये P3 रहेगा, है ना, फोर में नहीं जाएगा, इस वजह से यहाँ पे मिस्टेक आ रहा था। तो ये क्या हो जाएगा फोर पी थ्री। ठीक है, यहाँ तक आए समझ में। अब एज इट इज हमको इसके लिए करना है, तो इसके लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसका जाएगा माइनस पी वन, फिर ये हो जाएगा, एक बार इसके साथ करोगे और एक बार इसके साथ। ठीक है, तो ये प्लस P2। ठीक, अब इसको इसके साथ तो माइनस टू पी वन हो जाएगा, है ना, और इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस फोर पी टू। अब इस वाले टर्म को करने हमको,
तो P3 के साथ P1 और P2 का तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, अब P3 के साथ देखते हैं, तो P3 के साथ हो जाएगा P3 माइनस P2, ठीक है, और माइनस 4 P3 और माइनस 2 P3, ठीक है, ये ऐसे हुआ और ये ऐसे हुआ, तो इस टाइप से हो गया। इसके बाद हमको क्या करने का है, थोड़ा सा हम इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने का मतलब ये प्लस का साइन है ये, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2P1 एंड ये प्लस 2P2, ठीक है। एज इट इज आपको इसके साथ करना है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2P1 और 3P2 प्लस P3, ठीक है। इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा 5P2 प्लस P3 और इसका हो जाएगा माइनस 4P2 माइनस 8P3, ठीक है, माइनस 100 माइनस 1, ठीक। यहाँ तक आया समझ में। अब आपको यहाँ से क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया। बोलने का मतलब है माइनस 2P1 प्लस 2P2 किसके इक्वल होगा, माइनस 1। ये कैसे आया समझ में आया, ठीक है। उसके बाद ये वाला इक्वेशन माइनस 2P1 माइनस 5P2 5P2, ठीक है। ये 5P2 कैसे आया समझ में आया, देखो ये जो है पहले हम लोग इसको और इसको ऐड किए तो हमको ये मिला, फिर इसमें और इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, P2 वाला टर्म ये हुआ ना माइनस 5P2 और P3 एज इट इज, ठीक है, और माइनस 2P1 ये पूरा टर्म लेके आपको ऐड करना है, ठीक है। मतलब ये एग्जांपल यहाँ पे दे रही हूँ, माइनस P2 प्लस P3 प्लस प्लस माइनस 2P1 है ना, फिर इधर से माइनस 4P2, तो इसको ऐड करोगे तो इतना आ जाएगा ना, तो वही चीज आया, ठीक, P3 क्या हो जाएगा, ये 0, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन ऐसे ही आपको इसके लिए भी करना है, इसको और इसको भी करके करना है, तब ये आपका इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा, माइनस 2P1 माइनस 5P2 प्लस P3, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये जो टर्म होगा आपका माइनस 4P2 माइनस 8P3, ये जो है ये इसका होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा और इसका ये वाला होगा, ठीक है। ऐसे ही करके मैंने वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है। तो जब हम सॉल्व करते हैं P1 इज इक्वल टू और P2, इसको आप पूरे को हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को कैलसी में जब पुट करेंगे सॉल्व करने पे, तो हमको P1 की वैल्यू मिलेगी 23/60, ठीक है। P2 की मतलब P1 P2 P3 सारी वैल्यू मिलेगी -7/60 और P3 की वैल्यू मिलेगी 11/60, ठीक। हमने क्या रखा था, P1 P2 एंड P2 एंड P3, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। P1 की वैल्यू क्या है, 23/60, P2 की वैल्यू क्या है, 7/60, P2 की 7/60, P3 की 11/60, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। इस टाइप का अगर स्टेबिलिटी से रिलेटेड अगर आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको इस तरीके से क्या करना है, इसको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। और एक दो मैं इसमें न्यूमेरिकल्स करवा दूंगी तो आप लोगों को अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, और भी जो है उसके बाद सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। एक
एक दो और क्लासेस की लगेगी, उसके बाद आगे की क्लास हम देखते हैं। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।